देख रहे हैं आरजेएन 24x7 न्यूज, मैं शुभम उपाध्याय। अब पटवारी शकुंतला वर्मा, इन्होंने बताया था कि ये कहीं बाहर चली गई थी और 1 तारीख को जब घर पे वापस आई तो घर का दरवाज़ा टूटा हुआ था, अलमारी टूटी हुई थी और लॉक जो है लॉक को तोड़ करके उसके अंदर से जो चोरी की गई थी उसमें सेट टॉप बॉक्स भी था, डीवीआर, उन्होंने सीसीटीवी लगा रखा था, वो डीवीआर भी लेकर चले गए थे और जवाहरात। इसमें जब पूरे मामले को खंगाला गया तो एक 10 लोगों की टीम, हम लोगों ने स्पेशल टीम इस चोरी में लगाई थी जिन लड़कों को आप देख रहे हैं ये, और प्लस कोतवाली बसंत चिकनी साइबर सेल, इनकी पूरी टीम बनी और ये टीम विशेषकर सीएसपी जो अपने इसको बीच में पहले छोड़ा सी वाले ठीक आगे लेके थोड़ा गाड़ी को पीछे से सामने ले आना, सूचना दे रहे 41-104 लोग जब्ती करके और वो जो मामले उनके कायम होंगे उसमें इसको लेके जाए। इसमें मेन जो है विकास सोनी था, जैसा मैं बता रहा था बालाघाट का रहने वाला है और बाकी सारे आरोपी बल्कि बालाघाट के ही इस्माइल खान, साजिद खान, अनुराग मिश्रा और ये चारों जो हैं इनका नशेड़ी भी थे और जुआ सट्टा भी, ये लोग वहाँ जुआ सट्टा में भी इन्वॉल्व थे और इन्होंने ले जा कर के त्वरित यहाँ वहाँ जो है किसी को ये कोई बंधक दे करके कुछ पैसा ले लिया, कई किसी को इन्होंने ऋण पे चढ़ा दिया, तो ये इस तरह से इन्होंने सारे ज्वेलरी जो है अलग अलग जगहों पे वो कर दिया था। एक दो ज्वेलर्स के पास भी मिले थे छोटी मोटी चीज़ें और बसंतपुर थाना प्रभारी इसको सुपरवाइज कर रहे थे। ये टीम जब मेजर क्लू जो हम लोग को मिला था इसमें सीसीटीवी का था, एक खुलिया मिला था तो उससे हम लोगों ने पुराने जितने चोर थे उन सबको खंगालना शुरू किया था और बहुत सारे ऐसे लोगों को पता करना शुरू किया, लिंक जोड़ते जोड़ते 14 दिन बाद लगभग ये आज हम लोग खुलासा कर पा रहे हैं जिसमें टोटल जो है 43 तोला सोना मिला है। इस घटना में जो है वो 33 तोला सोना चोरी हुआ था, 700 ग्राम चांदी हुआ था और एक स्विफ्ट डिजायर कार जिसमें बरामद की गई है, टोटल की कीमत 25 लाख के आसपास है और 10 ग्राम जो 10 तोला सोना जो है अतिरिक्त हम लोग को मिला है जो इस अपराध से संबंधित नहीं है, उन लोगों ने दूसरी जगह पे इसको चोरी करने में इसको बताया है। में एक महिला पटवारी के घर पे उसकी बेटी की शादी के जो गहने रखे गए थे उसको अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया था, जिसमें एक टीम लगाई गई थी और वो टीम कई दिनों से काम कर रही थी। इनिशियली इसमें एक फुटेज प्राप्त हुआ था, उस फुटेज के आधार पे हम लोगों ने बढ़ना शुरू किया। जब एक पूरी टीम बनाई गई और उसमें CSP गौरव राय और एडिशनल SP संजय महादेवा के निर्देशन में एक टीम हम लोगों ने स्पेसिफिक इसके लिए बनाया था, जो कई राज्यों में उन्होंने पता तलाश की और फाइनली हम लोगों ने इसमें जो रिकवरी की है जो लगभग 33 तोला जो सोना है और 700 ग्राम चांदी जो इस चोरी की घटना का है प्लस एक स्विफ्ट डिजायर जो गाड़ी इसमें यूज हुई थी वो जब्ती किया गया, कुल मसरूका लगभग 25 लाख का है। साथ ही साथ इसमें 6 तोला सोना अतिरिक्त भी जब्ती किया गया है जो दूसरी चोरियों में इन्होंने यूज किया था और जिसको हम लोगों ने रिकवर किया है। जब अपराधियों के बारे में पता किया गया तो सभी चारों अपराधी जो है बालाघाट के रहने वाले हैं, विकास नाम का व्यक्ति इनका मेन मास्टरमाइंड है, 2 दर्जन से अधिक चोरियाँ
किया। इन्होंने अंतरराज्यीय गिरोह के रूप में गोंदिया में, दुर्ग में, बालाघाट में और नांदगांव में इन्होंने किया है और इन सबको आज गिरफ्तार करके हम लोग जेल भेज रहे हैं। चारों आरोपी आदतन आरोपी हैं, उसमें से तीन जो है वो पहले भी जेल जा चुके हैं।